जहां तो बिल्कुल अननेचुरल किस्म के एक हार्मोन के चेंज की वजह से एक मर्दाना लुक आ रही है बाजुओं में या पांव में, इतने लंबे लंबे काले बाल लटके हुए नजर आ रहे हैं कि जिससे औरत के पांव औरत के नहीं नजर आ रहे, मर्द जैसे नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तो उतार देने चाहिए, या अपर लिप्स पे या चिन, ये तमाम चीजें ताकि औरत औरत लगे। लेकिन पिंडलियों पे भी आप कराते हैं तो घुटने मत दिखाएं, घुटना औरत का भी औरत के सामने नहीं खुलना चाहिए, और बाकी हिस्से भी जो सतर में आते हैं वो आप नहीं दिखा सकते, औरत की चिन पे या अपर लिप्स पे बालों का होना ये मर्दानापन की अलामत है और एक बीमारी है। अगर कोई इस बीमारी को दूर करवाता है, मसलन वो एक परमानेंटली बाल खत्म करवाते हैं, मैंने किसी को करते हुए भी देखा है, जिसमें बालों की जड़ें जला दी जाती हैं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये मर्दानापन है। एक औरत औरत नहीं लग रही, मर्द लग रहा, तो मर्दों की मुशाबहत से वैसे भी मना किया गया, औरत को औरत लगना चाहिए। या बाल हैं और औरत इसमें तकलीफ महसूस करती है कि उन बालों को उतारे, तो अगर वो ब्लीच कर लेती है तो वो चेहरे के रंग के साथ हो जाए, तो वो यानी औरत को औरत लगने में मदद दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर बाजुओं पे हाथों पे ऐसे बाल हैं कि जो औरत की लुक को मर्दाना बना रहे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ देख के कहा था कि पता नहीं औरत का हाथ है या मर्द का हाथ है, मैं भी नहीं थी तो, है ना। इसी तरह अगर बाजू पे इतने बाल हैं कि जो वो औरत औरत नहीं लग रही, उल्टा मर्द लग रहे, तो मर्दों के अमूमन घने बाल होते हैं, तो ऐसी सूरत में उन बालों को रिमूव करना जो है कि जिसमें औरत औरत नजर आए उसमें हर्ज नहीं। लेकिन कोई भी परमानेंट नक्शा निगार, जैसे वो भवों की असल शेप को बदल कर कुछ से कुछ या सारी उतार के तो अपनी मर्जी से पेंसिल लगा के एक नई शेप देना, वो दुरुस्त नहीं। हाँ, भवे मसलन यहां से दो जुड़ी हुई हैं, तो अब ये क्या है कि ये एक ओरिजिनल औरत की शक्ल नहीं होती, एक बीमारी आप कह सकते हैं, तो उसमें अगर इनको अलग कर लिया जाए तो वो फितरत पर लाना है, फितरत में तब्दीली नहीं है। फितरत में तब्दीली क्या है कि असल सारा कुछ उतार दिया आपने और अपनी मर्जी से लगाया, और ये जो दो जुड़े हुए हैं इनको अलग करना फितरत में तब्दीली नहीं, फितरत पर लाना है। तो ये एक उसूल के तौर पर समझ लें कि कोई भी ऐसी चीज जो फितरत पर लाने में मदद दे रही है, अगरचे वो कुछ चेंज का तकाजा कर रही है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो अल्लाह की साख तो बदल रही है तो वो दुरुस्त नहीं। बल्कि इसमें आप देखिए कि तबरानी की रिवायत है कि अबू इसहाक की बीवी जो नौजवान थी और खूबसूरती की शायक थी, हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुई और पूछा कि औरत अपने शौहर के लिए अपने रुखसार के बाल, रुखसार कहते हैं ना चीक्स को, साफ कर सकती है। हजरत आयशा ने फरमाया, अजियत को मुमकिन हद तक दूर करो, क्योंकि ये अजियत का बायस है, यानी औरत के मुंह पर बाल जो है वो मर्द के लिए अजियत का बायस है। तो ये किताबुल लिबास फतुल बारी में रिवायत आई है, तो इसकी इजाजत है।